अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और जी जनाब, आज एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए डेली यूज़ के लिए जो है वो फाउंडेशन भी बना लूँ, क्योंकि मैंने ब्राइडल बेस जो है वो बहुत सारी बनाई है और इस टॉपिक जो को मैंने बहुत दफ़ा कवर किया है। और ब्राइडल बेस भी मैंने बहुत डिफरेंट टाइप्स की आप लोगों को कस्टमाइज भी और बाकी जो भी बेस वगैरह होती है उनके बनाने का तरीका भी बताया हुआ है। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो बहुत ही आसान जो है ब्राइडल बेस, जो आप लोगों को या आप ख़ुद जो एवरीडे मतलब आप लोगों ने लुक करनी है, आप लोगों को बेस चाहिए। जैसे कि आप लोगों को लग रहा है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, लग नहीं रहा बल्कि है गर्मी, और हम लोगों को डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी कोई फाउंडेशन बता दें। जैसे कि डेली कोई ऑफिस जा रहा है, कहीं भी डेली वर्किंग वूमेंस जो भी हैं उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना आता है, तो उसके लिए आप लोगों को बेस बता दूँ। एक तो बेस बताऊंगी जिसकी कवरेज बिल्कुल नॉर्मल होगी, ये नहीं लगेगा कि आप लोगों ने बिल्कुल कुछ चिट्टा चिट्टा या कोई इस तरह का लगाया जो ओवर लग रहा है, तो इस तरह का बताऊंगी जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छी कवरेज भी मिलेगी और बिल्कुल एक फ्लॉलेस खूबसूरत बेस लगेगी, मेल्ट भी नहीं होगी और अच्छा सा आपको एक कवरेज भी दे देगी। और आप लोगों के सामने बना के भी दिखाऊँगी। चले चलते हैं वीडियोज़ की तरफ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ आज बेस जो कि बहुत सस्ती भी है और आप लोगों की पॉकेट फ्रेंडली भी है। जैसे कि ये देखें, इसको मैंने इस तरह करके थोड़ा पानी ऐड किया है और आप लोगों को डेली बनानी है। आप लोग बेशक एक डब्बी जो आप लोगों ने ली है इसमें थोड़ा सा जो है हाइलाइटर पाउडर फॉर्म में जो है, जो मैंने ये बताया है, कोई सा भी इसमें यूज़ कर सकते हो, इसमें मिक्स करके रख लें, थोड़ी सी आप डेली इसमें से लिया करें और इसको इस तरह बनाना है। जिसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उनके लिए बेस्ट है। और आप लोगों ने स्किन आपकी नीट होनी चाहिए और इस तरह करके आप लोगों ने फेस पे लगा लेना। और ये भी नहीं लगेगा कि ओवर लग रही है या मैं डेली जा रही हूँ ऑफिस वगैरह या कहीं जा रही हूँ तो बुरी लगेगी या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। आप लोगों ने इसका जो फ्लूड है ना वो ज़रा कम थिक बनाना है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसको जो है वो थिक नहीं करना। लगाने के बाद आप लोगों के पास किसी भी तरह का कोई स्पंज हो तो इसकी मदद से आप लोगों ने इस तरह करके इसको बिल्कुल डैब डैब करके आप लोगों ने अच्छे से अपने फेस पे सेट कर लेना है। इस तरह करके आप लोगों ने ना इसको बिठाना है अच्छे से यहाँ पे। और आप लोगों को नंबर जो है ना, आप लोगों ने अपना जो इसका नंबर कौन सा है, जैसे ये देखें स्किन मेरा कलर ये वाला है तो मैंने इसके लिए 04 नंबर लिया है। आप लोगों ने जो है अपना अपनी स्किन टोन के हिसाब से अपना शेड सिलेक्ट करना है, तो मुझे ये सूट करता है, मैंने इसके ऊपर ही इसलिए अपनी स्किन के ऊपर ये वाला लगा रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों को डेली यूज़ के लिए, जिसको जिसकी स्किन ऑयली है या जिनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, डेली जा रही है उनके बेस फेस पे टिकती नहीं है, उनके लिए ये इतना बेस्ट फार्मूला है कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा इसको ट्राई करने का। एक तो फ्लॉलेस तब लगेगी जब आप लोग इसमें थोड़ा सा हाइलाइटर ऐड करोगे, तो आप लोगों ने थोड़ा सा हाइलाइटर ऐड कर लेना है, अपनी स्किन को नीट क्लीन कर लेना है। डेली बनाने के लिए बेस इसमें थोड़ा सा हाइलाइटर मिक्स करें, इसको बना के रख लें और इस तरह करके इतना पतला आप लोगों ने इसका फ्लूड बना लेना, देख लें आप लोग, और इसको इस तरह करके लगा लें। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। बेशक आप बाद में इसके ऊपर ब्लश ऑन लगाएँ, इसके ऊपर आप लोग हाइलाइटर लगाएँ, कुछ भी लगाएँ, वो बहुत खूबसूरत लगेगा। जैसे ये मैं लगाया है ना थोड़ा सा, इस तरह करके देखें, बहुत प्यारा सा लगेगा। ये अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं, देखें मैं हाथ लगा रही हूँ कहीं भी नहीं जा रही, इस तरह करके देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह करके आप लोगों ने ये बेस बना लेनी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका करके भी बता दूँ, ये देखें अगर आप लोगों को स्वेटिंग होती है कितना पसीना आता होगा, इतना आ जाएगा, ये देखिए। अगर इतना भी आप लोगों को पसीना आता है ना तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको वहीं पे आपने डैब डैब करके सेट कर लेना है। ये लाइव प्रूव है, देखिए मैंने बाद में वॉइस ओवर भी नहीं की थी, मैंने कहा आज मैं आप लोगों को सामने इस तरह बेस बना के दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई मसला ना हो, आप लोग लें
और इसको ट्राई करें। बहुत रीज़नेबल 500 या 600 की ये बेस मिल जाएगी, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये सूट करेगी। जिस तरह आजकल हमारे पाकिस्तान का जो वेदर है उसके हिसाब से बिल्कुल ज़बरदस्त है। डेली वर्किंग वूमेन के लिए मैं कह रही हूँ ये कोई औसम चीज़ है। जिनको पसीना आ रहा है, जिनकी स्किन पे कोई बेस नहीं टिकती, तो ये इनकी स्किन पे जो बेस है कहीं भी नहीं जाएगी। तो ये देखें इसका फ़र्क देख लें आप लोग, कितनी कवरेज है इसकी, बहुत ज़्यादा कवरेज भी नहीं है लेकिन बहुत प्यारा जो है इसका रिज़ल्ट है। तो ये थी जनाब आज की मेरी वीडियो, और वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। इस तरह की मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो बेस के ऊपर बनाई हुई है, और इसके अलग से मैंने बहुत सारे ब्राइडल बेस के भी ट्यूटोरियल्स बनाए हैं बेस के ऊपर प्रॉपर, तो आप लोग जाके वो मेरे चैनल पे देख सकते हो। और जो जैसे कि मेरी जो फाउंडेशन है उसकी वीडियो जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा जो है मैं सनलाइट में इसका थोड़ा सा आपको रिज़ल्ट दिखाऊँ कि इसका जो है सूरज में बाहर आप लोग जब निकलते हो, सबसे ज़्यादा मुश्किल तब हम लोगों को होती है जब हम लोग जो है फाउंडेशन बना तो लेते हैं लेकिन अगर किसी को मसला होता है तो वो सनलाइट में होता है कि बाहर निकले हैं तो अजीब लग रही है, क्योंकि घर से बाहर निकल के तो हमने ऑफिस तक या अपनी जॉब जो भी कर रहे हैं वहाँ तक जाना तो होता है, तो वो अजीब ना लगे। ये देखें इसकी बिल्कुल मीडियम और इतनी कोई खूबसूरत कवरेज है, बिल्कुल ज़बरदस्त और बहुत ही कोई आला, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मैं बहुत सारे जो न्यू एक्सपेरिमेंट है इस बेस के ऊपर मैं करती रहती हूँ, बहुत सारी फाउंडेशन जो है वो मैं उसको लगा लगा के सारा दिन भी रखती हूँ, देखती हूँ उसके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो चेक करती हूँ कि किस तरह उसके रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं, ताकि अच्छे मिलें या बुरे मिलें तो आप लोगों को उसका जो है वो रिव्यूज़ लाजमी करूँ। तो ये है, अब मैं देखें आपको नीचे पानी के नीचे इसका रिज़ल्ट करके दिखाती हूँ कि मैं अगर टैब के नीचे भी इसको ले कर जाती हूँ ना तो इसका जो आपको पानी के नीचे दे देखें, ये इस तरह करके इसको पानी जो है वो लग चुका है। ये देखें, ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर मैंने पानी डाला है, कितना पसीना आ जाता होगा आप लोगों को मैक्सिमम कितना, ये देखें यहाँ पे इतना मैंने इसके ऊपर करके जो है वो पानी डाला है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से करके है। और इसको अगर हम साफ़ करेंगे ना तो भी इसका जो है बिल्कुल भी वो जो है मेल्ट नहीं होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाती हूँ, ये देखें सनलाइट में कितना कोई हसीन लग रही है फाउंडेशन, यहाँ पे देखें मैं समझा थोड़ा सा इसको टिश्यू से करना, यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग किसी कपड़े के साथ करके दिखा दो, ये देखें कितना खूबसूरत है। मुझे इसकी ना फाउंडेशन की कवरेज बहुत अच्छी लगती है, और स्पेशली जब मैं इसको पानी के साथ भी लगाती हूँ या किसी तरह भी तो ये ख़राब नहीं होती। ये देखें आपके सामने है इसको किस तरह करके साफ़ किया है, ये देखें इस तरह करके आपको पसीना आता है ना तो आप लोगों ने जो है वो इसको अपने किसी टिश्यू के साथ या कोई भी आप लोगों के पर्स में कोई छोटा रुमाल रखा है या कपड़ा रखा है कुछ भी, तो आप लोग उससे इस तरह करके अपना पसीना साफ कर सकते हो, आपकी जो है फाउंडेशन उतरेगी नहीं स्किन से कहीं भी नहीं जाएगी। तो ये थी जनाब आज की मेरी वीडियो, और वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, और जो मेरे चैनल पे न्यू है लाजमी जो है घंटी को बजा दिया करें ताकि हर आने वाली न्यू जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो उनको मिल जाए। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, लाइक करना है, कॉमेंट करना है और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, कीप वॉचिंग।